अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शौहर को 9 आदतें बिल्कुल अभी छोड़ देनी चाहिए। ये 9 काम ऐसे हैं, 9 आदतें ऐसी हैं, ये 9 काम किसी भी शौहर को नहीं करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, निकाह का मतलब औरत से दोस्ती करना है, ना कि उसका मालिक बनना। एक मामूली खजूर की गुठली के ऊपर जो छाल होती है, जिसे हम कतमीर भी कहते हैं, हम तो इसके भी मालिक नहीं तो फिर गुरूर कैसा, अकड़ कैसी। एक जगह लिखा था कि मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि यूं लिखा होना चाहिए था कि मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसका अपने माँ बाप और बीवी के साथ बुरा किरदार है। अल्लाह पाक ने औरत को हुकूक के एतबार से मर्द के बराबर रखा है। कहीं औरत को बर्तरी दी है तो कहीं मर्द को बर्तरी दी है। वैसे तो ताकत और कुव्वत मर्द को ज्यादा दी है, लेकिन अपनी इसी औरत की हिफाजत के लिए ज्यादा दी है, ना कि इसी औरत पर आजमाने के लिए, इस पर जुल्म करने के लिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि मर्द को अक्ल भी ज्यादा दी गई है। चलो मान लेते हैं ऐसा है, लेकिन अक्ल भी मर्द को इसलिए ज्यादा दी गई है कि एक औरत की खताओं को माफ करे। जहां मामलात उलझ रहे हों वहां अक्ल से काम ले। कीमत इंसान की नहीं बल्कि उसके किरदार की होती है। शौहर अच्छा है या बुरा, ये फैसला ना इसकी दौलत कर सकती है और ना ही इसका हस्बो नसब और खानदान। ये फैसला तो उसके कैरेक्टर से होता है, उसका अपने वालदैन और बीबी के साथ कैसा रवैया है। अगर शौहर बुरा हो तो उसका बुरा किरदार उसकी बीबी को जितना दुख दे सकता है, जितनी तकलीफ दे सकता है। कोई और रिश्ता जो दूसरा रिश्ता होता है, इतना दुख इतनी तकलीफ देने का बाइस नहीं बनता जितना खराब शौहर दे सकता है। हमारी इस मशरिकी सोसाइटी में एक औरत जितनी खिदमत अपने शौहर की करती है, मगरबी सोसाइटी में ऐसी मिसालें बहुत कम देखने को मिलती हैं, और इस खिदमत का क्रेडिट भी बाज़ वक्त औरत को नहीं मिलता। हाँ, उस औरत को ज़रूर मिलता है जिसके शौहर का किरदार अच्छा होता है। एक मामूली चाय के कप की मिसाल ले लीजिए। एक तहकीक के मुताबिक हमारे यहाँ एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी में 30 से 35 हज़ार चाय के कप पीता है, जिसमें से ज़्यादातर चाय इसे इसकी बीबी बनाकर देती है। वैसे तो चाय बनाना एक मामूली सी खिदमत है, लेकिन क्या इसका क्रेडिट हर बीबी को मिलता है? अगर आपकी मंगनी या निकाह होने वाला है और आप चाहते हैं कि आप अच्छे शौहर साबित हों, तो उन गलतियों को जिनका जिक्र मैं हदीस की रोशनी में आगे करने जा रहा हूं, इनको अपने अंदर ज़रूर पैदा करें। इसमें नंबर एक है कि कभी शक ना करें। शक एक ऐसी बीमारी है जो रिश्तों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। इसको पहले नंबर पर इसलिए रखा गया है कि हर 10 में से 8 लड़कियों को सिर्फ शक की वजह से तलाक हो जाती है, और इसकी वजह है फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरी सोशल साइटें। इन पर झांकना, ऐसे मालूमात न सिर्फ शौहर की ज़िंदगी को मुश्किल में डालते हैं बल्कि जहनी दबाव, अजियत और डिप्रेशन भी देते हैं। अगर बीबी बाहया और नज़रों की हिफाजत करने वाली हो तो उस पर बिना किसी वजह से शक करना अपनी जान पर खुद पर जुल्म करना है। मियां बीबी के इस रिश्ते में पड़ने वाली शक की दीवार को सिर्फ एक दूसरे पर यकीन करने से ही तोड़ा जा सकता है। नंबर दो, दूसरों के सामने अपनी बीबी का मजाक ना उड़ाएं। जब बीबी का एहतराम और इज्जत बाकी ना हो तो उसकी छोटी छोटी गलतियों पर भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। मर्दों की आम आदत होती है घर में मजाक करना। मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बहुत फ़र्क होता है। ये फ़र्क समझना एक समझदार शौहर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर लड़की हसास हो तो मजाक उड़ाने से उसकी शख्सियत अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाती है। नंबर तीन, बीबी के कामों में ऐब ना निकालें। बीबी के हाथ का बना हुआ खाना है, उसमें बुराई ना निकालें। हमारी सोसाइटी में बड़े फख्र की बात समझी जाती है। यहाँ तक कि मैं खुद महफिलों में लोगों को कहते हुए सुनता हूँ कि मुझे बीबी के हाथ का खाना पसंद नहीं, मैं तो बाहर खाने जाता हूँ, मैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाता हूँ। खुदारा बीबी के हाथ के बने हुए खाने के जायके को समझें, उसके जायके को नहीं देखें बल्कि उसके इखलाक को देखें। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर आपको खाना अच्छा लगता तो उसे खा लेते थे, वरना छोड़ देते। तो मेरे भाइयों, ये तसव्वुर जहन से निकाल दो कि घर की सारी जिम्मेदारियां बस बीबी की ही हैं। जामे तिर्मिजी में है
कि तुम में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, और मैं तुम में अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला हूँ। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में मामलात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बकरी का दूध खुद दूते थे, अपने कपड़े खुद सी लेते थे, अपनी खिदमत खुद कर लेते थे, अपने जूते सी लेते थे, और वो तमाम काम करते थे जो मर्द अपने घर में करते हैं। वो अपने घर वालों की खिदमत में लगे होते और जब नमाज का वक्त होता तो छोड़कर चले जाते। नंबर 4, घर में तालीम कराएं। मिजाज में नरमी हो तो आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं, लेकिन अगर एक दूसरे की शख्सियत कांटों की तरह चुभने लगे तो बजाय मोहब्बत होने के एक दूसरे की हर अदा से नफरत होने लगती है। मिजाज में नरमी लाने का और आपस में मोहब्बत बढ़ाने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि घर में कुछ देर के लिए दीन की तालीम की जाए, उसका जिक्र किया जाए। एक मियां बीबी की जिंदगी में सबसे हसीन लम्हे वो होते हैं जब वो जरूरी कामों से फारिग होने के बाद एक दूसरे को कुरान और हदीस की तालीम देते हैं, साथ बैठकर कुरान की आयत तर्जुमे के साथ साथ सुनते हैं और इस्लामी तारीख के बाकिया सुनने से दिल नर्म होते हैं और एक दूसरे के लिए लज्जत बढ़ जाती है। मियां बीबी का साथ में बैठ जाना और एक दूसरे को कुरान की आयत को तफसीर के साथ आसानी से सुनाना, इससे ना सिर्फ लम्हात कीमती बनते हैं बल्कि दोनों का दिल अल्लाह की शुक्रगुजारी की तरफ माइल होता है। नंबर 5, हमेशा गुस्से की हालत में ना रहें। डॉक्टर्स ये बात साबित कर रहे हैं कि ज़्यादा गुस्सा करने से हार्ट अटैक के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि हर वक्त बीबी पर गुस्सा करने से किसको नुकसान पहुंचता है, आपको या आपकी बीबी को। नंबर 6, जिद्दी मिजाज ना बने। गुस्से के बाद सबसे बड़ा मसला जिद है। जिद इसे कहते हैं कि आपकी बीबी पर्दा करना चाहती है और नेकी की तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन आपकी जिद है कि पर्दा ना करे, कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, किस मुल्लानी को उठाकर ले आया। याद रखें कि जन्नत में आप अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि एक नेक पर्देदार बीवी के साथ दाखिल होंगे, लिहाजा जायज बात पर जिद कैसी। नंबर 7, पुरतशद्दुद रवैया छोड़ दें। तशद्दुद हमारे मुआशरे का एक इंतहाई खतरनाक पहलू है और मियां बीबी की जिंदगी में सबसे ज्यादा नजर आती है। अक्सर कम अकल और बेवकूफ शौहर अपने पुरतशद्दुद रवैये को बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल करते हैं। यकीन जानिए, शौहर का ये रवैया बीवी को अंदर से इंतहाई टूट फूट का शिकार कर देता है। उसे वो मकाम ही नहीं मिल पाता जो एक बीवी को मिलना चाहिए। नंबर 8, दूसरी औरतों की तारीफ ना करें। अपनी बीवी को ये एहसास दिलाना कि वो औरत तुमसे ज़्यादा अच्छी है या तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है या तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, इस तरह की बातें करने से आज तक किसी का भी घर जन्नत नहीं बन सका। यकीन जानिए, अपनी बीवी को हमेशा उसके माजी से कंपेयर किया जाता है बजाय इसके कि उसे दूसरी औरतों से कंपेयर किया जाए। नंबर 9, बीवी के मायके वालों से दोस्ताना ताल्लुकात रखें। हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत तसव्वुर पाया जाता है कि औरत अपने मायके के बारे में एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करती और शौहर को दिन रात अपने घर वालों और भाई और बहनों के खिलाफ भड़काती रहती है। ये बहुत ही गलत तसव्वुर है। कायनात के उसूल ये कहते हैं कि हर अमल का एक रद्दे अमल होता है, यानी जैसा तुम करोगे वैसा ही मिलेगा। यही मामला हमारे मामलात का भी है। अगर आप अपने घर के अंदर अपनी बीवी को इज्जत देंगे, उसको वो मुकाम देंगे जिसकी वो हकदार है, उसके माँ बाप और भाई और बहनों को इज्जत देंगे, तो यकीनन वो भी आपके घर वालों से आपको कभी भी अलहदा नहीं करेगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक सभी लोगों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता